बाजार में रत्नागिरी और देवगढ़ हापुस सहित पायरी आम का हुआ आगमन। वलसाड जिले सहित वापी के बाजारों में रत्नागिरी और देवगढ़ हापुस के साथ पायरी आम की बिक्री शुरू हो गई है। मुंबई से कई छोटे बड़े व्यापारी वापी हाईवे नंबर 48 के किनारे स्टॉल लगाकर आम बेच रहे हैं। इस क्षेत्र में हाईवे के दोनों ओर छोटे बड़े आम के स्टॉल देखे जा सकते हैं। व्यापारी महाराष्ट्र के किसानों के आम के बागों से आम खरीदते हैं और फिर तैयार आमों की बिक्री के लिए सीधे बाजार में उतारते हैं, जबकि कुछ किसान मंडी में थोक में आम बेचते हैं और वहां से छोटे व्यापारी खरीदकर गंतव्य स्थल पर आम बेचते हैं। अभी बाजार में रत्नागिरी और देवगढ़ के हाफूस, केसर, पायरी, राजापुरी, लंगड़ा सहित दशहरी आम बिक्री के लिए आए हैं। हाईवे से गुजरने वाले ज्यादातर लोग मोल भाव करके आम खरीदते दिखाई दे रहे हैं। व्यापारियों के अनुसार पिछले साल की तुलना में इस साल आम का उत्पादन कम है और मौसम का भी असर दिखाई दे रहा है। आम के दाम की बात करें तो रत्नागिरी और देवगढ़ हाफूस आम दर्जन के रुपए 500 से 800, पायरी आम रुपए 400 दर्जन, जबकि केसर 160 रुपए किलो, राजापुरी 120, लंगड़ा 170 और दशहरी 110 रुपए किलोग्राम के हिसाब से चल रहे हैं। हालांकि अभी वलसाड जिले के प्रसिद्ध हाफूस और केसर आम की फसल तैयार नहीं होने से बाजार में आगमन नहीं हुआ है, जो आम 15 मई के बाद आने की संभावना दिखाई दे रही है। मंडी से पूरा सप्लाई करते हो आप लोग? कैसे लेते हो, खेती खरीद के लेते हो या फिर डायरेक्ट मंडी में से खेती खरीद लेते हो? तो खेती में आप कितना ऐसा मतलब भाव लगाते हो? खेती में वो सब मेरा